उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सीएम योगी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को एक सख्त निर्देश जारी किया है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शटडाउन लेकर पावर मेंटेनेंस करा रहे तमाम अधिकारियों को योगी ने फटकार लगाई है। सीएम योगी ने कहा है कि बिना चीफ इंजीनियर के आदेश के किसी भी हालत में शटडाउन ना लिया जाए। इसके अलावा इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि 22 जून तक कोई भी अघोषित विद्युत कटौती ना की जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पावर कॉरपोरेशन के एमडी एम देवराज की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हो रही भीषण कटौती और गर्मी के प्रकोप के बीच जहां आम आदमी परेशान है, वहीं सीएम योगी ने इसकी जानकारी लेने के बाद पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को थोड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि विकास के काम के लिए किसी भी सरकारी विभाग को शटडाउन नहीं दिया जाएगा। योगी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हर हाल में बिजली कटौती को रोका जाए, क्योंकि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इससे लोग परेशान हैं। ऐसे में बेवजह की बिजली कटौती ना की जाए और इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष अधिकारी लखनऊ के ऊर्जा मंत्रालय के मुख्यालय से मॉनिटरिंग भी करें। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के बीच भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। प्रदेश में बिजली कटौती से परेशान आम आदमी के लिए सीएम योगी का आदेश राहत देने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि इस गर्मी में जहां ओवरलोड के कारण कई जगहों पर ट्रांसफार्मर फूकने और कई जगहों पर पावर ग्रिड फेल होने की शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी योगी के आदेश को कितना पूरा कर पाएंगे। सीएम योगी ने यह निर्देश भी दिए हैं कि ट्रांसफार्मर्स और ज़रूरी बिजली इक्विपमेंट्स को समय रहते ठीक करा लिया जाए, जिससे कि कोई परेशानी ना आए, लेकिन फिर भी टेक्निकल समस्या का हवाला देकर बिजली काटना वर्षों से यूपी की समस्या रही है। योगी का आदेश इस पर कितना रोक लगा पाएगा, ये देखना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।